मुस्लिम लड़की का जो अपने प्यार में, सो इट्स अ हिंदू मुस्लिम बेस्ड बिग स्टोरी विच आई कैन नॉट रिवील राइट नाउ. सो इट्स अ हिंदू मुस्लिम. हाल ही में मूवी आई है बैटमैन, तो उसका कोई विरोध कर रहा है कोई, आपकी नज़र में क्या है बैटमैन? इट्स अ वेरी गुड थिंग. कल ही मैं लाइव गई थी इंस्टाग्राम पे और मैंने लोगों को यही पूछा था और मैं यही बोल रही थी करके कि जो बता रहे पैडमैन, जो अक्षय कुमार अपने द्वारा सबको बता रहे मेंस्ट्रुअल जो भी है चीज़ें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे भी पहले नहीं पता था, जब मुझे हुआ तब मेरी मॉम डैड ने भी मुझे अपडेट किया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई वॉज इन माई स्कूल एंड इट वॉज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर मी बिकॉज इट वॉज एन एनुअल डे. सो आई वुड से पीपल शुड अपडेट एवरी वन दैट करके दैट चिल्ड्रेंस वेन दे ग्रो अप दैट वॉट इज़ bad and what is this high, it's very hygiene to be aware of everything and Padman is doing very good. I'm gonna go and see that movie today itself and I'm very happy to be there. Napkin ko tax free karna chahiye aisa kuch hai aapki nazar mein kya hai? ऑब्वियसली जो चीज़ें हाइजीन होती हैं और आपके वो डेली बेसिस के लिए होती है, वो इंसान के लिए इंपॉर्टेंट होती है, सो आपको टैक्स भी करना चाहिए. बॉम्बे में हर एक चीज़ पे टैक्स लगता है, तो इट इज़ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो गवर्नमेंट शुड टॉक अबाउट इट, थिंक ओवर इट एंड या इट शुड यू दे शुड वर्क ऑन इट. पाकिस्तान में हाल ही में खबर आई, पाकिस्तान में इसको बैन किया कि मुस्लिम लोग नहीं मानते ये सब चीज़ें, जो कुछ चीज़ें हो जो पर्दे के अंदर रहनी चाहिए उनको बाहर नहीं आने, उसके बारे में क्या करें? पाकिस्तान की जो फिल्म रिलीज होने से मना करते हैं, पर्दे में तो सेक्स के बारे में भी बात करते हैं, वो क्यों नहीं आज तक पर्दे में रहा? तो ये तो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइजीन है, तो आई डोंट नो ये मुस्लिम की थिंकिंग होगी पता नहीं, बट आई वुड नॉट रियली टॉक अबाउट मुस्लिम हिंदू थिंग. बट एक लड़की को पता होना चाहिए करके कि उसको क्या इंपॉर्टेंट है उसके लाइफ में, क्या नहीं है. जितना आप ओपन रहोगे चीज़ें क्लियर होगी आपके लिए, सब कुछ रास्ता आपको क्लियर दिखेगा, बट इफ़ यू ट्राई टू हाइड इट वो बहुत वर्स्ट हो जाएगा आपके लिए. दैट्स इट. सेक्स एजुकेशन कितना ज़रूरी है आज के में, अगर स्कूल को लिखे? सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन बिकॉज दैट विल लीड यू टू अ राइट वे, नॉट इन अ रॉन्ग वे. सो आई थिंक सो अभी तो हम लोग के टाइम पे स्कूल में पहले से अपडेट नहीं होते थे, बट अभी साइंस सब्जेक्ट में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और आज के तारीख में सारे स्कूल में अपडेट हो जाते हैं. बच्चे लोग अराउंड 10 के बाद उनको अपडेशन सब मिल जाता है जो 6-7 स्टैंडर्ड में आते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. होली की विश यू गाइज ऑल अ वेरी हैप्पी होली, हैव लॉट्स ऑफ कलर इन योर लाइफ एंड हैव द बेस्ट होली एवर. दिस इज़ द बेस्ट विशेज फ्रॉम हीना पंचाल. थैंक यू.